बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एट क्लास, उम्मीद करती हूँ कि सब बच्चे खैर वाफियत से होंगे और अपने असेसमेंट्स भी बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर चुके होंगे। आज हम लोगों ने एट क्लास अपने लेक्चर नंबर 34 में 7 सितंबर की डायरी को डिस्कस करना है। डायरी सब बच्चे अपनी अपनी नोट करिएगा। चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज नंबर 6.12 क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसके आप लोगों के 5 पार्ट्स हैं। आप लोगों ने ये जो 5 पार्ट्स हैं अपने सॉल्व करने हैं नीट रजिस्टर के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है एलिमिनेट एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट फार्मूला। कहता है कि आप लोगों ने यहाँ पे एक्स को ख़त्म करना है, उसे एलिमिनेट करना है इन इक्वेशंस में से इस्तेमाल करते हुए मुनासिब फार्मूलाज को। मुझे एलिमिनेशन जो है ये हम लोग पहले भी सीख चुके हैं कि हम एलिमिनेट कैसे करते हैं, लेकिन वहाँ पर हमारे पास क्या था, हमारे पास लीनियर इक्वेशंस थी और लीनियर इक्वेशंस में अगर हमने किसी चीज़ को एलिमिनेट करना होता तो हम क्या करते थे, फर्स्ट इक्वेशन में से उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करते थे एक्स या वाई की, उसको सेकंड में पुट कर देते थे। जिस चीज़ को एलिमिनेट करना था वो चीज़ हमारी एलिमिनेट हो जाती थी। अब यहाँ पर आप लोगों के पास स्केयर की फॉर्म में आ गए हैं क्वेश्चंस। पैटर्न सेम इनका भी वही होगा, हमने इनको भी क्या करना है, इनको एलिमिनेट ही करना है यहाँ। लेकिन यहाँ पर एलिमिनेशन में अगर हम देखें तो लिखा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन जैसा है, उसमें लिखा है एक्स माइनस वन ओवर एक्स इज इक्वल टू एम, और सेकंड जो इसकी इक्वेशन है वो लिखी है एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर। यानी कि एक आपके पास जो है वो है क्वाड्रेटिक में जिसकी पावर 2 है और एक लीनियर में है जिसकी पावर क्या है, 1 है। तो अब हम लोग जो क्वाड्रेटिक है उसको तो हम 1 पावर में चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो लीनियर है उसको हम किस में चेंज कर सकते हैं, उसको हम क्वाड्रेटिक में चेंज कर सकते हैं। इसलिए आपने करना ऐसे है कि जो आप लोगों के पास आपकी इक्वेशन नंबर 1 है, आप लोगों ने इसके दोनों साइड्स पर क्या ले लेना है, स्केयर ले लेना है बाई टेकिंग स्केयर ऑफ 1 ऑन बोथ साइड्स। अब आप लोगों के पास यहाँ पे स्केयर हम ओपन करेंगे तो आएगा एक्स स्केयर माइनस 2 अपीयर होगा है फार्मूले के तौर पे, फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू उसके बाद सेकंड वैल्यू का स्केयर और इक्वल्स क्या आ जाएगा एम स्केयर के। एक्स एक्स के साथ हो जाएगा कैंसिल। आगे हमारे पास क्या है कि एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर एक साइड पर ही रहेगा और ये जो माइनस 2 है ये दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा। अब आप लोगों ने इसको कह देना है इक्वेशन नंबर 3। अब अगर हम देखें तो बच्चों आप लोगों के पास दो इक्वेशंस जो हैं उनके लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू सेम है। लाइक यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर भी लिखे एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर। अब जो हमारे पास इक्वेशन बनी है वो भी क्या, एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर। इन इक्वेशंस में आपने करना ही ऐसे है कि आपने इनकी लेफ्ट हैंड साइड को सेम बनाना है, उसके बाद आप लोग एक ही इक्वेशन में से वैल्यू को दूसरे इक्वेशन में पुट कर देंगे तो आपके पास एक्स ओवरऑल क्या हो जाएगा, वो एलिमिनेट हो जाएगा। अब आप लोगों ने क्या करना है बच्चों, पुट करनी है इस ये वाली वैल्यू जो है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की, इसको किस में पुट कर देंगे, सेकेंड इक्वेशन में, या फिर हम सेकेंड में से वैल्यू किस में पुट कर देंगे, 3 में। पुट करने के बाद हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू है इसकी वो क्या बन गई है, एम स्केयर प्लस 2 इज़ इक्वल टू एन स्केयर, और यही हमारा इसका रिक्वायर्ड रिलेशन था। अभी जो रिलेशन है इसमें हमारे पास कहीं पर भी एक्स की वैल्यू नहीं लिखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 4 है आप लोगों का इसी तरीके से, और जो क्वेश्चन नंबर बच्चों आप लोगों का है इसका 3rd और 2nd पार्ट जो है वो आप लोग खुद सॉल्व करेंगे, वो सेम स्केयर के ही फार्मूले की तरह है कि आपने क्या करना है कि एक वैल्यू जो आपके पास क्वाड्रेटिक में है एक लीनियर में है, आपने क्या करना है जो लीनियर है उसका स्केयर ले लेना है, क्वाड्रेटिक के जैसी वो बन जाएगी, बाद में आप लोगों ने एक इक्वेशन की वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में पुट कर देना है। यहाँ पर आप लोगों के पास 2 इक्वेशंस हैं और दोनों ही लीनियर हैं, लेकिन लीनियर होने के साथ साथ क्या है, एक में माइनस है और दूसरे में क्या है, प्लस है। अब माइनस को प्लस में हम चेंज तो नहीं कर सकते हैं, इसका भी बेस्ट सॉल्यूशन यही है कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों ही इक्वेशंस का स्केयर ले लेंगे। दोनों का स्केयर लेने का फ़ायदा ये हमें होगा कि आपके पास दोनों स्केयर्स में क्योंकि माइनस भी क्या होता है, वो भी पॉजिटिव वैल्यू में यानी कि प्लस में चेंज हो जाता है। इसलिए आप यहाँ लिखेंगे बाई टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड्स ऑफ 1 एंड 2। आपने दोनों का स्केयर लिया, स्केयर लेने के बाद हमारे पास क्या आएगा, फर्स्ट वैल्यू का स्केयर प्लस 2 फार्मूले का, फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू का स्केयर इज इक्वल टू 2a का स्केयर, क्या बन जाएगा हमारे पास 4a स्केयर के इक्वल। अब इसी तरह से सेकंड को जब हम ओपन करेंगे तो वहाँ पे प्लस 2 की जगह पर आ जाएगा माइनस 2, बाकी आप लोगों का सेम एज इट इज़ रहेगा जिस तरह के हमने पहले भी ओपन किया है,
और 3b जो है ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा 9b स्क्वायर के इक्वल। अब यहाँ पे c c से कैंसिल और x x से कैंसिल, दोनों में इसी तरह से हो जाएगा, और ये जो इधर वाला प्लस 2 है वो दूसरी तरफ जाके हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, और जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है वो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। लाइक अब आप लोगों का ये वाला ये आगे लिखा हुआ है कि वो कैंसिल होने के बाद आपके पास एक में प्लस 2 है और दूसरे में क्या है आपके पास माइनस 2 है। अब आपने क्या करना है कि ये जो प्लस 2 है ये दूसरी तरफ जाके माइनस 2, और जो माइनस था वो जाके प्लस हो गया। अब आप लोगों के पास एक दो नए रिलेशंस आ गए हैं। अब इन दोनों नए रिलेशंस को आपने एक में से नाम दे देना है थर्ड का, और एक को फोर्थ का नाम दे देना है। अब अगर आप देखें तो आप लोगों के पास दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम सेम है। अब हम क्या करेंगे, किसी भी एक की वैल्यू को दूसरे में पुट कर देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ एक्स स्केयर ओवर सी स्केयर प्लस सी स्केयर ओवर एक्स स्केयर इन फोर, यानी कि थर्ड में से हमने वैल्यू किस में शिफ्ट की है, फोर्थ में। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4a² माइनस 2 इज इक्वल टू 9b² प्लस 2, वैसे का वैसे ही। अब आगे हमने क्या किया कि हम ए बी को एक साइड पे ले आए, कॉन्स्टेंट्स हमने बिल्कुल एक साइड पे सेपरेट कर दिए। अब आपके पास ये आ जाएगा आपका रिक्वायर्ड रिलेशन। इसके बाद अब आप लोगों का है बच्चों फिफ्थ पार्ट इसका, उसमें क्यूब का यहाँ पे आ गया है रेफरेंस। एक में हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन है और एक में हमारे पास लीनियर है। तो सिंपल हम क्या करेंगे कि जो लीनियर है उसको क्यूब में चेंज करेंगे। और कैसे चेंज कर सकते हैं, हम लोग उसका क्यूब लेने के बाद ही उसको चेंज कर सकते हैं, बाय टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। अब आप लोग क्या करेंगे, जब इसका क्यूब लेंगे तो आपके पास x माइनस 1 ओवर x होल क्यूब इज इक्वल टू l क्यूब के इक्वल आ जाएगा। अब जैसा कि हमने यहाँ पे बच्चों क्यूब ओपन किया, तो क्यूब के ओपन करने का फार्मूला या उसका स्टाइल क्या है कि फर्स्ट वैल्यू का क्यूब माइनस 3 अपीयर्स एज फार्मूला, फर्स्ट वैल्यू सेकेंड वैल्यू, अगेन हम वही वैल्यू लिखते हैं और फिर माइनस और सेकेंड वैल्यू का क्यूब इक्वल्स एल क्यूब। एक्स एक्स से कैंसिल हो जाएगा, माइनस 3 एज इट इज़ रहेगा, और एक्स माइनस 1 ओवर एक्स जो है इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, एल। अब ये जो माइनस 3 एल है ये दूसरी तरफ जाके हो जाएगा प्लस 3 एल। अब आपके पास सेकेंड की और थर्ड इक्वेशन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है। आपने क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब इन टू, आपके पास आएगा एल क्यूब प्लस 3l इज इक्वल टू एम क्यूब। और ये आप लोगों का है इसका रिक्वायर्ड रिलेशन। आज का लेक्चर इसी उम्मीद और यकीन के साथ हम क्लोज़ करते हैं कि आप लोग अपना ये सारा काम कंप्लीट करेंगे, और कल हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।